शाहजहां ने भी मुमताज की याद में ताजमहल बना दिया, जिसको सदियों याद रखा जा रहा है। ऐसा ही एक वाकया हम आपको जम्मू से भी दिखा रहे हैं, जहां पे एक शख्स उसकी बीवी का इंतकाल हो जा रहा होता है कोरोना के दौरान, और उसके बाद उनने एक बिल्डिंग जो है अपने हाथों से बनाई, उस बिल्डिंग का नक्शा अपने हाथों से बनाया, और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। और बाद में होता यूँ है कि जब इस बिल्डिंग का यहाँ पे काम स्टार्ट होता है, ये बिल्डिंग तैयार होती है और ये बिल्डिंग हाईवे के बीच में आती है, और इन्हें ये हुक्म दिया जाता है कि हम इस बिल्डिंग को डिमोलिश करेंगे, इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे, लेकिन ये शख्स गवारा नहीं करता कि अपनी बीवी के हाथ की बनी हुई उस चीज़ को मैं तबाह कर दूं या तोड़ दूं जो इस दुनिया में नहीं है। एक आखिरी निशानी के तौर पर ये शख्स उस चीज़ को रखना चाहता है। मैं आपको विजुअल में भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि करीब करीब 400 के आसपास जैक लगाए गए हैं और उसके ज़रिए इस मकान को लिफ्ट किया जा रहा है। ये नज़ारा जम्मू के बैली चराना का है, जहां पिछले कई वक्त से आपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस खबर को देखा होगा कि एक मकान को जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप पहले बाहर अलग अलग राज्यों में देखते हैं, लेकिन अब चूंकि ये चीज़ें जम्मू में भी हो रही हैं, और ये ख़ास इसलिए हो रही है क्योंकि इस शख्स की बीवी जब कोरोना में चली गई, अपने हाथ से, वो एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, अपने हाथों से इस मकान का डिज़ाइन किया था। इसे जब महकमा की तरफ से खत लिखा गया कि ये मकान को हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रोड वाइडिंग का काम चल रहा है, इस मकान को हमें तोड़ना पड़ेगा, उसने कहा कि आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं मकान तोड़ने नहीं दूँगा, अलबत्ता मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं इस मकान को शिफ्ट कर लूँगा, मैं इस मकान को तोड़ने नहीं दूंगा। अब करीब करीब जो अभी हमने पता लगाया है 70 से 80 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है इस मकान को यहाँ से पीछे धकेलने में। अभी तक करीब ये कई फुट जो है मकान को पीछे लिया भी गया है। अब और भी जब हमने यहाँ पे बात की कि इस मकान को और आपने कितना पीछे धकेलना है, उन्होंने कहा कि अभी भी हमें कुछ और वक्त लगना है, शायद और कुछ महीने लग जाएंगे इस मकान को, और यहाँ से हमने पास करना है तब जाकर ये मकान जो है वो महफूज रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी लव स्टोरी है, ये एक ऐसी कहानी है, इसके साथ एक ऐसा इमोशन जुड़ा हुआ है जिसको लोग सदियों याद करेंगे। यूँ तो आजकल के आप प्यार देखते हैं, क्या कुछ नहीं प्यार में होता है, लेकिन जब इस किस्म की चीज़ें प्यार के बीच में आती हैं तो इंसान क्या नहीं करता है। वही तरणदीप और उनके जो हस्बैंड है, शौहर है, जोगिंदर जी, उनका भी यही कहना है कि चाहे मुझे कितना करोड़ों रुपए क्यों ना खर्च करना पड़े, लेकिन मैं उनकी इस निशानी को कभी नहीं भूल सकता। उनने किस कदर ये साथ दिया था मेरा कि शायद हम आने वाले कल में इस मकान के अंदर रहेंगे, कुछ वक्त वो साथ रहे भी, लेकिन कोरोना के दौरान जहां आपको मालूम है हज़ारों लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए उस काल में भी, लेकिन उन्होंने भी उनका साथ उस समय जब छोड़ दिया तो ये बिल्डिंग उनके लिए रह गई। एक बार मैं और आपको इस बिल्डिंग के जो है पूरे नज़ारे दिखाना चाहूँगा कि आप सबसे पहले देखिए कि जो जैक हैं, जैक किस तरह से लगाए गए हैं। आप ये वाले देखिए पहले, और जो इंजीनियर्स यहाँ हैं, उन इंजीनियर से जब हमने बात करने की कोशिश की कि आप हमें थोड़ा सा बताइएगा, उनने कहा कि ये देखो करीब करीब 450 के आसपास जैक जो हैं वो इस बिल्डिंग के चारों ओवर हमने लगाए हैं, उसके बाद इस बिल्डिंग को धकेला हमने पीछे, और इस तरह से ये बिल्डिंग जो है अब कुछ ही वक्त इस बिल्डिंग को लगेगा कि जब इस बिल्डिंग को हम यहाँ से पूरा पार लेंगे। थोड़ा सा पूरे विजुअल ऊपर के फ्लोर के भी हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह किस कदर आलीशान बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है। अब बदकिस्मती की बात ये रही, वो जो मालिक है इस बिल्डिंग के वो आज यहाँ नहीं है, किसी काम से वो बाहर गए हुए हैं, नहीं तो हम ज़रूर हम आपको उनसे भी रूबरू करवाते, उनसे भी मिलवाते, उनका क्या कुछ कहना होता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन एक शेर भी मुझे बहुत ज़बरदस्त याद आ रहा है, वो मैं आपसे भी कहूँगा कि तू याद रख ये याद है, तू भूल जा या याद रख, तू याद है बस ये याद रख, क्योंकि इस कदर ये शेर भी है कि वो इंसान शायद कभी उस इंसान को नहीं भूल सकता जिसके लिए उसने ये सब किया हो। अगर हम इसको बाकी चीज़ों से भी रिलेट करें, इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं,
कि अगर हम डाइवोर्स की बात करें, तलाक की बात करें, किस कदर फैमिलीज़ के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, या अगर प्यार भी होता है तो कई सारी चीज़ें सामने कर ऐसे उभर कर सामने आती है जिनको लोग मिसाल बनाना चाहते हैं। एक मिसाल तो शाहजहाँ की है जो उसने मुमताज़ की याद में बनाई थी आगरा के अंदर, वो ताजमहल है जिसे आज दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, वहाँ अपनी सेल्फी उठाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और उस याद को ताज़ा करके रखा हुआ है। वही जम्मू की ये तस्वीर है, जम्मू के बैली चराना की ये तस्वीर है, जिस शख्स ने इस बिल्डिंग को जो है अब पीछे लिया, तोड़ने नहीं दिया, इनकार किया कि आप महकमा को कहा कि आप मुझे वक्त दीजिएगा, मैं तोड़ने आपको नहीं दूंगा, कि ये उस शख्स की मुझे ये मेरे प्यार की निशानी है, मैं इसे कभी ज़ाया नहीं होने दूंगा, मैं तोड़ने आपको नहीं दूंगा, इस कदर मुझे उनसे प्यार रहा है, इस कदर मेरे साथ उनकी यादें हैं, क्योंकि अगर आज वो मेरी अहलिया मेरे साथ नहीं है लेकिन उनके हाथ किया बना हुआ ये नक्शा, उनके हाथ से किया हुआ इस बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इस बिल्डिंग को मैं डिमोलिश नहीं करने दूंगा। आप साथ में थोड़ा सा ये विजुअल भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस कदर इस साइड में, क्योंकि ये रोड वाइडिंग का काम चल रहा है, आप जानते हैं कि जम्मू के अंदर और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, उनके साथ साथ ही ये बिल्डिंग जब रास्ते में आई, मैं आपको जूम करके भी ज़रा दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रास्ते का किनारा है, यहाँ पर ये बिल्डिंग थी, लेकिन अब किस कदर मेहनत करके इंजीनियर्स ने पूरा दिमाग लगा करके और जोर लगा करके इसको जो है वो पीछे कर दिया। अब आप सभी नाज़रीन से भी, हमारी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप लोग भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन दोनों का प्यार जो है वो किस कदर रहा है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग प्यार की खातिर कुछ भी करते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को झांसा देते हैं कि मैं तेरे प्यार में पता नहीं क्या क्या कर लूँगा, लेकिन बाद में कुछ कहानियाँ कुछ और होती हैं, लेकिन हकीकत में जो असलियत में जो लोग सच में प्यार करते हैं, अपने दिल के अंदर किसी को बसाते हैं और अपने अहलिया की जो उसकी आखिरी निशानी थी उसने इसको डिमोलिश नहीं होने दिया है। अब आपकी क्या कुछ राय है उस शख्स के लिए जिसने ये सब करवाया है, 70-80 लाख रुपए का उसका खर्चा आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और जिसने इसका डिज़ाइन किया था उसके बारे में आपका क्या कहना है, और जो इंजीनियर्स लाए गए हैं इसका काम अभी भी पीछे चल रहा है, इसको पीछे धकेलना जा रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी जब फाइनल इसका होगा, जब इसको और पीछे धकेला जाएगा, वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे, उसके लिए अगर आपका कुछ कहना होगा, जब हम यहाँ आपको दिखाने के लिए आएंगे, अगर आपका कोई सवाल होगा, आपकी कुछ राय होगी या आप देखना पसंद करेंगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर हम अपने सामने तक उस बात को पहुँचाएंगे। आपको कैसा लगा ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा।